हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर 2। ये गणित विषय का पेपर है कक्षा 10 का, जो कि 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट भी डाला है, मॉडल पेपर फर्स्ट, उसको भी आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये दूसरा मॉडल पेपर है। दोस्तों, कक्षा 8, 10 और 12 के जितने भी विषय हैं उन सभी के चार चार सेट, चार चार मॉडल पेपर के सेट में इस चैनल पर डालने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2 गणित विषय का। पहला प्रश्न है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 21 सही 1/6 और 21 सही 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है, शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण 2x+1+x+3=5x+4 को हल कीजिए। तीसरा है, 152 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और चौथा है, cosec 25° - sec 65° का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है मित्रों, एक पतंग भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 40 मीटर की ऊंचाई पर 70 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगला है, उस बिंदु का बिंदुपथ लिखिए जो त्रिभुजों की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित हो। सातवां प्रश्न है, एक वेग में 3 लाल 2 नीले कलर के कंचे हैं, यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, इसके नीला होने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों, अगला आठवां प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नवां प्रश्न है, सीसीटीवी कैमरे का यातायात प्रबंधन में कोई एक उपयोग लिखिए। दसवां क्वेश्चन है मित्रों, रुकने की दूरी को परिभाषित कीजिए, रोक दूरी का सूत्र आपको लिखना है। पार्ट बी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सूत्र ध्वजांक द्वारा 59, 28, 37 को डिवाइड करना है, भाग देना है 119 से। बारहवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ता हूँ। 13वां क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों, 14वां क्वेश्चन है, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप इम्पोर्टेंट भी नोट कर लेना इस बार के लिए। 15वां क्वेश्चन है, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। पार्ट सी आ रहा है जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 16वां क्वेश्चन है, बहुपद x³ - x6x² + 11x - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए जबकि इसके 2 शून्यक 1 और 2 है। 17वां क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। 18वां प्रश्न है मित्रों, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। इस बार आप इसको भी इम्पोर्टेंट नोट कर लेना 2020 के लिए। नेक्स्ट है 19वां, सिद्ध कीजिए कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। 20वां प्रश्न है मित्रों, सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। ये आपका क्वेश्चन है 20वां। 21वां है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको आकृति दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है कि x की जगह कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है 22वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा के साथ समकोण समान कोण बनाती है, ये प्रमेय है।
23वां है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र हो। और ये चित्र आपको दिया गया है, इसमें जो ये छायांकित भाग दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला है एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 25वां प्रायिकता का प्रश्न, एक बक्से में कुछ कार्ड जिन पर 3, 5, 7, 9 .. 35, 37 संख्या अंकित है, बक्से में से यादृच्छा एक कार्ड निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर अंकित संख्या एक अभाज्य संख्या है। चलिए अब आपके जो है 6-6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 26वां प्रश्न है असमीका 2x + 3y > 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। 27वें में पहला है सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 - cos θ = 1 + cos θ sin θ। दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan θ + sin³θ अपॉन sin θ - cos θ और बराबर में लिखा है 1 + sin θ cos θ। इसके अथवा में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिद्ध कीजिए cot θ + tan θ = cosec और sec θ, और दूसरा यदि sec + tan = p हो तो सिद्ध कीजिए p² - 1 / p² + 1 = sin θ। इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें। नेक्स्ट 28वें में भी दो क्वेश्चन है, पहला है एक रेखा का एक सिरा 4.0 और मध्य बिंदु 4.1 है तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। दूसरा है बिंदु 5.0 और 0.4 को मिलाने वाले रेखाखंड को पी 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 29वां प्रश्न है त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, यदि AD का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा B से इस प्रकार खींचें कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे तो सिद्ध कीजिए EX / BE = 1/3 होगा। इसके अथवा में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, एक न्यून कोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B न्यून कोण है और AD परपेंडिकुलर ऑन BC है तो सिद्ध करो AC² = AB² + BC² - 2BC × BD। 30वें में भी दो क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 15 हो तो P का मान ज्ञात करना इसका, और दूसरा पूछा गया यहाँ पर माध्यक ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, माध्यक ज्ञात करना है इसमें आपको, एक में माध्य में P का मान ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है दूसरे का। तो दोस्तों ये अपना गणित का मॉडल पेपर दूसरा था। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए पेपर किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।